सहयोग से सूर्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों छठ के शुरुआत होती है मेरे घर से। देखिए यहाँ पे घर कितना अच्छा से सजा हुआ है, और ये देखिए रंगोली बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं यहाँ के बच्चे लोग, मेहनत किए थे। ये पूरा रोड है हम लोग इधर का जो गली गया है, ये कितना अच्छा से सजा हुआ ऊपर बैलून है। अब ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं, ये मेरे गली से बाहर, गली के बाहर से भी आया हुआ है। पहले यहाँ पे ना वो मूर्ति बैठा करते थे स्प्रिंग पे, लेकिन कोई कारण की वजह से ये नहीं बैठ पाए इस साल, और न्यू सूर्या क्लब है इसलिए ये फोटो पे ही पूजा हो रहा है। वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया था यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो गली है यहाँ कितना अच्छा से सजा हुआ है। अब ये देखिए पूरा बैलून है ये वहाँ पे। तो दोस्तों छठ पूरे बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अभी देखिए अभी सुबह का 5 बज रहा है, और ये कितना अच्छा से रोड सजाया हुआ है, कितना मस्त लग रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा से रोड सजाया हुआ है। ये देखिए ये जो बांट रहे हैं ना भैया लोग, तो यहाँ पे इनका मान्य रहता है कि हम कोई कोई पानी बांटेंगे, कोई कोई छेने बांटते हैं, इस तरह से कोई कोई सूप भी बांट देते हैं। क्या अंकित ब्रो? अंकित देख रहा है कितना स्मार्ट हो गया धीरे धीरे। अंकित अंकित इधर देखो। हाँ मेरी जान। तो देखिए दोस्तों कितना भीड़ लगा हुआ है अभी ना, अभी 5:30 बज रहा है और 5:30 भी इतना भीड़, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी वहाँ पे ना घाट पे जहाँ हम लोग फल्गु नदी जा रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, इतना भीड़ रहता है कि अलग नहीं दे पाते हैं। देखिए पूरा रोड यहाँ पे सजा हुआ है पूरे बैलून से, पूरे फूल माला से, यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं। तो दोस्तों हम नदी के पहुंच गए हैं, ये पुल के पास ही है नदी है, और फल्गु नदी में ही हम लोग छठ मनाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत भीड़ रहता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे से वो गेट सजाया हुआ है और फूल माला से सजाया हुआ रहता है। अब देखिए हम लोग अंदर चलते हैं, अंदर का सीन दिखाते हैं हम आप लोग का। अभी देखिए अंदर तो जा रहे हैं, अभी देखिए जो फ्रंट में गणेश जी का मूर्ति लगा हुआ है। कौन बोल दिया हमारे उसका व्यवस्था कर दिया जाएगा।
अपने बच्चों का हाथ भरा, अपने बच्चों का हाथ भरा अपेक्षित है, आप अपना सहयोग अवश्य करें। तो देखिए दोस्तों, ये जो दिख रहा है यहाँ पे मंदिर, ये सूर्य मंदिर बनने वाला है यहाँ पे, बहुत जल्दी ही सूर्य मंदिर बनने वाला है। और ये जो घाट है ये इसका नाम है भास्कर घाट, और ये भास्कर घाट ये गया के जो पुल गया है वहां पे, ये फल्गु नदी में है ये, जल्द ही ये सूर्य मंदिर बनने वाला है यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं वहां पे अपने दोस्त को ढूंढने के लिए, और वहां पे अर्घ दिया जा रहा है, हम लोग भी वहां पे जाके अर्घ देते हैं, दूध चढ़ाते हैं। बहुत दूर जाना है, ये देख दिया, दिया यार दिया। अच्छा इसको क्या बोलते हैं देश? स्काई लैंप, 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 लैंप। तो देखिए दोस्तों कितना ज्यादा भीड़ है ये फल्गु नदी में सुबह सुबह। तो दोस्तों देखिए ये पवन मिल चुका है, इन्हीं के मम्मी ये छठ कर रहे हैं, यानी अर्घ दे रहे हैं, तो यहीं पे हम जाके दूध देंगे हम लोग सारे दोस्तों। तो देखिए पवन यहाँ पे मिल चुका है, ब्लॉग में आ रहे हो क्या ले भाई? एक नंबर मोहल्ले पे बात हो। इतना दूर खोज नहीं यार, दोनों ले ले क्या हुआ था पवन? लगता मार्केट में गिर गया था जाकर। ले तो यार, हम कल से फोटो नहीं लोए आए ने, बेचारा पियूष को कल से फोटो नहीं आया। नहीं ले रहा फोटो यार। इतना बेइज्जती पियूष, बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गया यार। अंकित अपने में ही व्यस्त है। ये वो रील्स देख रहा, आइडिया ना मालूम कैसे रील्स बनेगा। अरे वाह, फोन करते हैं। अरे कैसे में कैसे तुम कर लेगा ब्लॉग यार। हाय मयूर। तो दोस्तों अर्घ तो हो गया है, अब प्रसादी खाने की बारी है। प्रसादी में ले लिया, आंटी दे दी। देखिए यहाँ पे प्रसादी और खा रहा हूँ, और सारे दोस्त भी खा रहे हैं यहाँ पे। क्या है देश? आप कैसे हैं? तो पियूष आगे का प्लान? आगे हम लोग जाएंगे अभी थोड़ा विवेक के पास प्रसादी खाने, घर थोड़ा एक दोस्त को फोन कर लेते हैं, उज्जवल कारू जो हम लोग को देगा साथ। क्या उज्जवल कारू और जो हम लोग को देगा दारू। हेलो बहुत लेट कर दियो जो है। नहीं भाई लेट नहीं हुआ, आप भी लेट कर दिए हैं। हम लोग 5 बजे से आए हैं यहाँ पे, हम भी यहाँ पे रहे, हम सब पहुँच गए थे। हर देश कितने बजे आया था?
भाई 5:30 बजे सुबह में। हाँ अब देखिए 5:30 बजे हम कॉल किए थे आपको, कहाँ थे? काट के खाएंगे ना यार, काट के खाएंगे। सही सही बोल रही थे, तो कितने दिन से नहीं आया है? 4 दिन। 4 दिन से नहीं आया। और पीयूष? मेरे को 2 घंटे से नहीं आया, मेरे को 3 घंटा हो गया ना। 3 घंटा दोस्तों छठ तो हो गया, अब यहाँ से प्रसाद वरसाद खाने के बाद पी अपन ये शरबत पीने के बाद हम चलते घर पे और ब्लॉग को यहीं पे करते हैं हम लोग एंड।